हेलो एंड वेलकम टू नौकरी स्टडी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टडी। छठी जेपीएससी से नियुक्त अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की एसएलपी। छठी जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा से अनुशंसित और नियुक्त अधिकारियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी दायर की गई। प्रार्थी प्लानिंग सर्विस के अधिकारी फैजान सरवर ने एसएलपी दायर कर झारखंड हाईकोर्ट के 23 फरवरी के आदेश को चुनौती दी है। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को गलत बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने 7 जून 2021 के एकलपीठ के आदेश को सही ठहराते हुए बरकरार रखा था। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकलपीठ ने छठी जेपीएससी का मेरिट लिस्ट रद्द कर 8 सप्ताह में फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। एकलपीठ ने कहा था कि फ्रेश मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा भेजा जाए। राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि अनुशंसा प्राप्त होने के 1 माह के अंदर अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। साथ ही नौकरी कर रहे 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को भी अमान्य करार दिया था। एकलपीठ ने अपने फैसले से जेपीएससी के तत्कालीन अधिकारियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि छठी जेपीएससी रिजल्ट अधिकारियों के कारण गलतियाँ हुई और उसका अभ्यर्थियों को खामियाजा भुगतना पड़ा। वैसे अधिकारियों के संबंध में जिम्मेवारी तय कर कार्रवाई भी की जाए। आने की जो अधिकारी लोग हैं भैया, वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ही, उनकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर आयोग की गलती है, सरकार की गलती है और वो लोग सुप्रीम कोर्ट में अब एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर चुके हैं। केस को वो लोग मजबूती से लड़ेंगे क्योंकि वो लोग भी अधिकारी हैं, उनके पास भी पैसा है।